पथरी रेडी होते हुए क्योंकि हॉट सीट पे बैठे हैं। और ये हॉट सीट यहाँ बटन नहीं है जिससे सीट गर्मा जाती है, ये है ट्विटर पे जहाँ से सवाल आए हैं सुब्रमण्य बद्रीनाथ के लिए। जयेश का है पहला सवाल। आप टीम में थे जब अपना पहला टाइटल जीता था चेन्नई ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही, डीवाई पाटिल 2010। उसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फाइनल की सेलिब्रेशन के बारे में सोचिए, कौन सी वो पहली याद है जो दौड़ते हुए आपके मन में आ जाती है? वो विनिंग मोमेंट में भूल ही नहीं सकता। अगर यार आप उधर हो, आईपीएल ट्रॉफी जीतने के मौके पे हो, तो इधर एक्चुअली यही मोमेंट था। मैं बॉल छोड़ दिया, मैं भागा वो स्टंप लेने के लिए। मेरे मन में एक ही चीज था, वो स्टंप कैसे लेना है। मिला घर में लगा, मिला ऑफ कोर्स मिला। जीतने के बाद एमएस धोनी ने उधर ही एक हडल किया था, उसने बोला था कि ठीक है हम लोग ये डिजर्व किए, अच्छा क्रिकेट खेले, 3 साल पे मिस हुआ है, बट वी ऑल डिजर्व इट, बी प्राउड, ऐसा बातें हुआ एमएस धोनी से। वो मोमेंट में भूल ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं बॉल छोड़ के स्टंप पे भागने लगा, एमएस ने बोला कि बॉल पकड़ो बद्री पहले, डेट तो करो बॉल को पहले, तो मैं वापस जाके बॉल को लेके स्टंप ही ले लिया। बॉल भी मिल गया, स्टंप भी मिल गया। ये होता है ना जब आप तेज इतने होते हैं जो सुब्रमण्य बद्रीनाथ थे। किस किस को मिला स्टंप याद है? अभी आपके पास था एक, अनिरुद्ध के हाथ में एक था। हाँ, चार स्टंप तो अवेलेबल था, क्योंकि एक स्टंप तो जाते हैं वो माइक लगाने के लिए, वो ब्रॉडकास्टर्स नहीं देते, स्टार वाले नहीं देते, तो चार ही स्टंप ऑप्शन है। तो एक तो एमएस तो पास में है, वो उसके हाथ पहले लगेगा उस पे, तो 3 स्टंप ही है ऑप्शंस। एक और सवाल आया डॉक्टर अक्षय राजपूत का, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन अक्षय। एमएस धोनी की कप्तानी में जब आप खेलते हैं तो क्या थोड़ी एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है फील्ड पे परफॉर्म करने के लिए? कोई एडवाइस याद है आपको, आपकी बैटिंग स्किल्स या कोई भी लाइफ एडवाइस भी अगर हो जो एमएस से मिला हो? एमएस के साथ एक्चुअली बोले तो जतिन और संजय भाई, ये हर एक मोमेंट लर्निंग होता है, बट एक मोमेंट मेरे को याद है, वो धर्मशाला इनिंग्स। एक्चुअली मैं और एमएस एक अच्छा पार्टनरशिप किया, हमको मस्ट विन मैच था क्वालिफाई करने के लिए। मैंने पहले बोल के रखा था, मेरा दोस्त लक्ष्मीपति बालाजी से बहुत, मैंने बोला कि मैं ये शॉट खेलूंगा युवान तेरान को, क्योंकि अच्छा यॉर्कर डालता है। मैंने ये शॉट भी खेला, 4 पे गया, मैं थोड़ा खुशी हो गया, मैं तो यहाँ करके कुछ कर रहा था। एमएस ने आके बात किया कि बद्री शांत रहो, अभी वापस काम करना है तेरे को, तो आराम से ले ले। MICSK की मेमोरी से जुड़ा एक और हर्ष का सवाल आया है। सुब्रमण्य बद्रीनाथ ये इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे हमारे हिंदी के कमेंट्री बॉक्स में। वो धर्मशाला मैच की आपने बात की और हम अक्सर इरफान से बात करते हैं उसकी, क्योंकि इरफान पठान थोड़े फायरिंग लाइन में आए थे वहां पे। क्यों एमएस धोनी उस दिन इतने आक्रामक या इतने अग्रेसिव मूड में थे? शायद हेलमेट पे भी 2-3 पंचेस लगाए थे। हाँ, वैसा एमएस धोनी का रिएक्शन मैं पहले भी नहीं देखा, उसके बाद भी नहीं देखा। वो 2010 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साल था अगर CSK के करियर के में देखा तो, क्योंकि वो साल में एमएस थोड़ा मैचेस मिस किया, उसको फोरआर्म में एक इंजरी हुआ KKR में मैच के साथ, और 5-6 मैच हम एक साथ हारे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। तो एमएस धोनी आया था और उसका भी इतना फॉर्म अच्छा नहीं था, उसको भी प्रूव करना था। CSK अच्छा टीम ठीक है, बट ट्रॉफी कहाँ है, वैसा बातें चल रहा था हमारे इस टीम के ऊपर। तो एमएस ने जब आया था पहले थोड़ा टाइम लिया था, हमने एक अच्छा पार्टनरशिप किया, इसके बाद मैं आउट हुआ तो आखिरी तरफ खींच के गया, तो वो जोन में गया एमएस धोनी। लास्ट 2 ओवर्स में हमको लग रहा था कि ठीक है एमएस तो करेगा ही करेगा, वो जोन में गया वो उस दिन। एक्चुअली वो धर्मशाला मैच के पहले दिन हम बिल्कुल रिलैक्स मूड में थे, यही CSK का अलग बात है। इंपॉर्टेंट मैच है, हमको जीतना है क्वालिफाई करने के लिए, हम लोग प्रैक्टिस नहीं गए, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे आराम से। उसके पहले दिन आराम से उधर नीचे जाके बैडमिंटन खेले, रिलैक्स एटमोसफेयर था, हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि 190 किया था किंग्स इलेवन पंजाब, बट हमको पूरा कंट्रोल पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये हम लोग करेंगे आराम से, है हमारे पास। तो वैसे धर्मशाला की वादियाँ, वातावरण जो है वो काफ़ी ठंडा होता है, उसी के साथ साथ कैप्टन कूल, थैंक्स बद्री, उम्मीद करते हैं आपने भी ये सेगमेंट एंजॉय किया।